होती वहां से शमशान साधना से अघोर में, कि वो मेरे जो बंधन थे वो कट गए। धीरे धीरे वैराग्य की ओर एक साधक आता है। अघोरी निशाचर होते हैं, दिन को सोना रात को जागना, साधनाएं हैं वही 12 बजे के बाद स्टार्ट होती है। आज भी उनको मैं बुलाता नहीं हूँ कभी भी, जो भी चीज खाना है पीना है तो किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें, वो शक्तियां ऑटोमेटिक वो पूर्ण कर देती। सभी आत्माएं नहीं होती, देखो आत्मा में कई योनियां होती है, जैसे भूति नहीं होते, वैताल भी होती है, अक्षिणी संखिनी दाकिनी योगिनी सभी कुछ होती है। तो इन शक्तियों को आप शमशान सिद्ध कर लोगे, इसका मतलब ये सभी आपके आधिपत्य में रहेगी, तब ये आपके लिए कुछ भी कार्य करती है। तो आपका वो जीवन चलाती है वो, उसमें मैंने कई बार उसको बोला है, आज भी उनको मैं बुलाता नहीं हूँ कभी भी, अगर जब मैं ज्यादा पी लेता हूँ खा लेता हूँ या कहीं ऐसी परिस्थिति में तो ऑटोमेटिक वो सुरक्षा के लिए आ जाती है। बातें करता हूँ मेरा, मैं रात भर जागता रहता हूँ। अघोरी निशाचर होते हैं, दिन को सोना रात को जागना, साधनाएं हैं वही 12 बजे के बाद स्टार्ट होती है। वो 8 साल वाली साधना आपने बताई नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट है। एक शुरुआत की 8 साल की साधना थी, उसमें गुरुजी ने मुझे गुफा में बंद कर दिया था, वहां बंद कर दिया था 8 साल के लिए, मतलब खड़े होके पैर पे तपस्या करनी थी 8 साल तक बिना खाए पिए बिना पानी के। एक्चुअली 8 साल पहले निकल गया ना, वो स्टोरी थी कि गुरुजी, आप बताओ गुरुजी मैं क्या बताऊं। उससे पहले भी तो मैंने साधनाएं की थी ना, डायरेक्ट मुझे 8 साल वाली साधनाएं नहीं दी, उससे पहले मैंने सिद्धियां हासिल की। तो सिद्धियां कई प्रकार की, सबके नाम नहीं बता सकता मैं, जो भी चीज खाना है पीना है तो किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, वो शक्तियां ऑटोमेटिक वो पूर्ण कर देती। गुरुजी वो बताओ ना, जो 1.5 दिन के लिए आपको गुफा में बंद किया था, आप तो उसको स्किप करो। 1.5 दिन का आपको लगा था ना कि 1.5 दिन बाद निकाल रहे? हाँ, जब मैंने वहां गुफा में मुझे बंद किया गया तो बाहर से बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए, तो गुरुजी ने मुझे बताया था कि 8 साल के लिए यहाँ एकाग्र होकर तपस्या करता रहना है और सिर्फ गुरु मंत्र करना है। क्या करना है? गुरु मंत्र करना है। हाँ, इससे कनेक्टिविटी बनी रहती है ना गुरुजी के साथ में। अच्छा, जो भी हम मंत्र करते हैं वो कनेक्टिविटी। हाँ, गुरु का मतलब ये होता है, आप कोई भी अच्छी साधना या बुरी साधना कर रहे हो पर वो गुरुजी के थ्रू होकर फिर आएगी, तो वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है। बुरी है तो उसका वहीं पे गुरुजी काट कर देंगे, क्योंकि नया साधक तो उसको काट कर नहीं सकता, पता ही नहीं होगा। तो उसके बाद में 8 साल मुझे बंद कर दिया गया गुफा में। तो फिर दूसरे दिन मैं जागा तो मैंने गुरुजी पूछा था, अब कल तो आप मुझे छोड़ के गए हो, आज क्यों वापस लेने आ गए, मुझे तो 8 साल रहना है। सिर्फ बोल पा रहा था, बाकी पूरा शरीर अकड़ गया था, क्योंकि 8 साल हो चुके थे। हाँ, पर मेरा ध्यान इतना एकाग्र था कि मुझे लगा कि एक या 1.5 दिन ही हुआ है। मेरे हाथ पैर सब अकड़ गए थे, तब जब लगा था तब दाढ़ी छोटी छोटी थी, दाढ़ी मूछ सब हो गया था बड़ा बड़ा, 8 साल हो गए वो मुझे पता नहीं था। तो मैंने गुरुजी से यही पूछा था, अभी तो कल छोड़ के गया, आज लेने भी आ गए। उन्होंने गुरुजी ने क्या बोला, अपने चेहरे पे आग घुमा, तो आग तो घूम ही नहीं रहे थे, खड़े ऐसे हो गए थे। मतलब इससे पहले मैंने 8 साल दूसरी साधना करके अपने आप को तैयार किया था। शुरुआत होती वहां से शमशान साधना से अघोर में, वो आप पे डिपेंड है ना, आप कितनी एकाग्रता से कर रहे हो, कितना मन कंट्रोल करके कर रहे हो। फिर भी देखो कई लोगों को तो कम 12 साल तक कुछ नहीं पाते, 12 साल का एक पीरियड होता है, कुछ नहीं उनका ध्यान ही केंद्रित नहीं है,
वो सिर्फ ड्रामा कर रहे, दिखावा कर रही है, दूसरों को दिखा रहे कि कपड़े पहन रखे, माला कर रहा हूँ, तो उनको कुछ मिलेगा कहाँ से? पर आप जितनी एकाग्रता से करोगे, जितने तन मन से करोगे, तो आपको जल्दी सफलता मिलेगा। मुझे 3 साल में सभी कुछ परिपूर्ण था। मैं फिर गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलता रहा, जो जो गुरु जी सिखाते गए वो सीखते गए, और कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो गुरु जी सिखाते ही नहीं थे। तो एक सत्संग होता है ना, एक वर्ष होता है सत्संग। सत्संग मतलब भजन करना नहीं होता है, अच्छे के संग में रहो, तो ये गुरु की कृपा से ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता रहता है। वो उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, शक्तिपात होता है उसमें, वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है आप में। पर वो गुरु जी की इच्छा पर निर्भर है, आप कितने समर्पित हो उस पर निर्भर होता है। मुझे शुरू मेरे ध्यान में गुरु जी थे, हाँ, तो गुरु मंत्र कर रहा था, गुरु जी ध्यान में थे, वहां मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं आया कि भगवान आया, ये आया। तो कनेक्टिविटी तो गुरु से बन चुकी थी ना मेरी, मेरे मन में ये कोई चाहत ही नहीं थी ना। आप अघोरी बनते हो तो आपकी कोई चाहत ही नहीं होती कि भगवान को पाना है, देवी देवता को पाना है, शक्ति को पाना है। चाहत ही खत्म हो जाएगा तो आपकी चाहत सिर्फ गुरु चरणों में रहेगी। ये सब ड्रामा करते हैं, सब ड्रामा करते हैं। मैंने पहले क्या बताया, कोई मांस मटन खाने की जरूरत नहीं, शराब पीने की जरूरत नहीं, पर हाँ, जिस देवी देवता को आप पूजते हो, जिस देवी देवता, जैसे महाकाली को, भैरव को पूजते हो, तो उनका भोग तो वही लगेगा। तो भगवान का नारियल चढ़ाते हो तो प्रसाद तो सब ग्रहण करते हो आप, तो ऐसे प्रसाद समझ के खाया जाता है, और प्रसाद समझ के दारू पिया जाता है, तो उसको प्रसाद का अनादर नहीं कर सकते आप। वो इसका बना रखा ना, बिजनेस बना रखा है इसका। नहीं, ऐसी कई बार कनेक्टिव हुई, कई देवी देवता से ऐसे पर्सनली बातचीत होती है मेरी। पहला अनुभव हुई था कि जिसके लिए मैं इस साधना लाइन में आया था, वो मेरे आमने सामने प्रत्यक्ष थी। स्ट्रेस बढ़ता गया, फिर मैं और गुरु, पहले मैं गुरुजी को बोलता था, भटक के आया ना, गुरुजी को बोला मेरा 3.5 लाख रुपए खो गए ये साधु के चक्कर में, सब चोर लुटे गए, नेपाल गया, हिमाचल गया, तारापीठ और ये सब घूम चुका था, जहाँ मिले इतना ही लगेगा, इतना ही लगेगा। उस टाइम में 3.5 लाख रुपए खो गए थे, और बाद में जब गुरु जी, कोई सक्सेस नहीं, जो बताते थे वो करता था, पर जब बाद में गुरु जी घर आया, घर हमारे आते थे, तो जब मैं वहां से आया तो बोले कि ये अब बच्चा थोड़ा ठीक हो गया, तो मिलने आए थे। फिर मैं ऐसे ही पहले था, तुरंत मिजाज था, गुरु जी क्या छोला धारण कर रखा है, छोड़ो छाड़ो सब, आराम से आप भी एक जगह रहो, दूसरे साधु कमा रहे आप भी कमाओ। तो बोला साधु कमाते हैं पर कैसे कमाते तुझे पता नहीं। अघोर का सीधा सा नियम है, जब तक आप नहीं कहोगे तब तक गुरु भी आपको खाने को नहीं पूछेगा। साधनाएं कभी साधक के जीवन में खत्म नहीं होती, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक साधनाएं उसकी कंटिन्यू चालू रहती है। इसमें अघोर का नियम होता है ना, जो भी होते ना हमारे साधनाएं सिद्धियां, वो हमारे एक मूल होता है, मूल मतलब खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी में संग्रह किया जाता है, तो जो उसके लायक होगा उसको मिलेगी, ट्रांसफर होगा, उसके लायक शिष्य होता है ना। ऐसा नहीं होता, जैसे अब हम मरने, जैसे एक मेमोरी कार्ड, मोबाइल का समझ लो आप, मेमोरी कार्ड होता है ना, उसमें सब डाउनलोड करके रखते हो जी। अब जिसके मोबाइल में वो फिट हो गया वहां दिखाई देगा, हाँ, उसके जो लायक होगा। नहीं देखो, पहली बात तो अघोरी मरता नहीं, वो सीधा शिवलोक में चला जाता है, उसकी आत्मा ना सीधी शिवलोक में रहती, और अपने जो शिष्यों के द्वारा वो सब कुछ देख सकता है।